अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जियाज़ किचन। आज हम बना रहे हैं लाहौरी फ्राई फ़िश। इसके लिए मैंने 1 किलो फ़िश ली है। सबसे पहले इसको धोने के लिए हम छिलकों समेत लहसुन लेंगे, ये हम इसमें डाल देंगे और इसको सिरका लगा के रखेंगे थोड़ी देर के लिए ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम रख लेंगे, उसके बाद हम इसको धोएंगे। उससे ये होगा कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। अच्छी तरह इसको लग गया है जी। ये देखें, मछली धुल के साफ़ सुथरी हो गई है। अब हम इसको मसाला लगाएंगे। पहले हम नमक डालेंगे। नमक आप हसबे ज़ायका इस्तेमाल कर सकती हैं, मैं 1 टीस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। लाल मिर्ची का पाउडर डालूँगी, ये भी 1 टीस्पून है। सूखा धनिया डालेंगे, ये भी 1 टीस्पून। 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया कुटा हुआ ये डालूंगी। कुटी हुई लाल मिर्चें हैं ये डालेंगे। लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे 2 टेबलस्पून। 3 अदर नींबू का रस डालेंगे। फिश को अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मैरिनेट होने के लिए रख देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए। इसको आप मैरिनेट करके फ्रीज भी कर सकते हैं। इसमें मैंने आधी प्यारी बेसन का डाला था, खुश्क बेसन, और इसको मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। अब अच्छे से मैरिनेट हो गई है, अब हम इसको फ्राई करेंगे। एक पैन लिया है, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है और चूल्हा ऑन कर दिया है। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें हम फिश डालेंगे। फिश की जब एक साइड फ्राई हो जाएगी तो फिर ही हम इसको टर्न करेंगे। अगर हम इसको बार बार टर्न करेंगे तो फिश जो है वो टूट जाएगी। फिश फ्राई हो गई है, इसको हम निकाल लेंगे और बाकी की फिश को भी इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे। फिश मैंने डिश आउट कर ली है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये लाहौरी फ़िश कैसी लगी। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।